हेलो दोस्तों, आई एम लकी मैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की मैं आपको बताने वाला कि जो रैंगल 2.0 का अपडेट है वो आपको कब देखने को मिलेगा और फाइनली आप इसे रैंगल 2.0 के मैप को आप कैसे खेल सकते हो और उसे कैसे डाउनलोड कर पाओगे। और आज की वीडियो में इसके साथ आप देख सकते हो कि जो हमारे रैंगल 2.0 के स्टैचूज हैं, डिक्टेटर का स्टैचू है और बाकी की जो मिस्ट्रीज हैं वो अब तक ऐड क्यों नहीं हुए हैं। तो क्यों ना वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो क्यों ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको बता दूं कि जो गेम फॉर पीस का टेस्ट सर्वर है उस पर हमें रैंगल 2.0 ऑलमोस्ट एक मंथ पहले देखने को मिल गया था। तो इससे मैंने काफी सारे यहाँ पे वीडियोस कवर किए हैं जिससे मैंने मेजर लोकेशन है रैंगल 2.0 मैप की वो कवर किए हैं। तो अगर आपने उनमें से एक भी वीडियो को मिस किया तो आपको वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके उसको चेक कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रैंगल 2.0 फाइनली आ गया उसका टाइम लॉन्च होने का गेम फॉर पीस के ऑफिशियल वर्जन में, तो वीडियो में आगे आपको बताऊंगा कि जो रैंगल 2.0 गेम फॉर पीस के ऑफिशियल वर्जन में कब रिलीज होगा। और यहाँ पे मैं पबजी मोबाइल की कोई बात नहीं करने वाला क्योंकि पबजी मोबाइल का हमें कुछ नहीं पता कि जो रैंगल 2.0 कब रिलीज होगा, लेकिन सिर्फ इतना पता कि जो रैंगल 2.0 पबजी मोबाइल के ग्लोबल वर्जन में आपको इसी मंथ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ लीक्स आए थे पीछे, तो उसमें मेंशन था कि जो रैंगल 2.0 को वो इसी साल लॉन्च कर देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको 0.9.0 के अपडेट में तो रैंगल 2.0 नहीं देखने को मिलेगा ग्लोबल वर्जन में, क्योंकि हमारा जो 0.9.0 के अपडेट में आपको एक न्यू 4X मैप उठा के दे दिया गया है। पता नहीं यहाँ पे इसका क्या रिलेशन था इसको लॉन्च करने का, इसकी जगह वैसे हमें रैंगल 2.0 देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन PUBG Mobile के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने यहाँ पे 4X मैप को उठा के डाल दिया है। तो यहाँ पे अभी तो हमें पता नहीं है कि जो रैंगल 2.0 ग्लोबल वर्जन में आपको कब देखने को मिलेगा, लेकिन जो गेम फॉर पीस की आपको मैं रिलीज डेट बताऊंगा कि जो उसका ऑफिशियल वर्जन है आप उसे कैसे खेल पाओगे। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि जो गेम फॉर पीस को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर गेम फॉर पीस को डाउनलोड करना काफी आसान है, इसके लिए आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि है टैप टैप। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ध्यान रखना आपको यहाँ पे जो टैप टैप नहीं बल्कि टैप एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जो टैप टैप एप्लीकेशन है वो चाइनीज क्लाइंट है टैप टैप का, और जो टैप ऐप है वो ग्लोबल क्लाइंट है, तो उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिलेगी और टैप टैप पे हमें चाइनीज लैंग्वेज देखने को मिलती है। तो टैप का आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें जो गेम फॉर पीस है सर्च करना है इंग्लिश में, तो उसके बाद आपको जो फर्स्ट आपको देखने को मिलेगी गेम उसको आपको डाउनलोड करना है। और यहाँ पे जो टैप ऐप है उसमें एक खास बात यह है कि अगर आपके पास मोबाइल डाटा है और आप मोबाइल डाटा को यूज करके डाउनलोड कर रहे हो तो आपकी जो डाउनलोड है वो बीच में पॉज भी हो जाएगी, तो आपने जो 2-3 दिन का मोबाइल डाटा है उसको यूज कर सकते हो डाउनलोड करने के लिए। और यहाँ पे जो गेम फॉर पीस का साइज होने वाला है वो होने वाला है 1.8 GB की, तो एपीके मिलेगी। उसके बाद अंदर आपको 3 अपडेट्स देखने को मिलेंगे, जो फर्स्ट अपडेट होगा वो मेरे ख्याल से 250 MB तक का होगा, 250 MB तक का। उसके बाद जो सेकंड होगा, सेकंड में हमारा जो 1.8 GB हमने पहले डाउनलोड किया है तो वो उसकी अनपैकिंग होगी, तो उसमें आपका कोई मोबाइल डाटा या वाईफाई उसमें यूज नहीं होगा। उसके बाद जो थर्ड अपडेट होगा वो 850 MB या फिर 900 MB तक का होगा, तो ऑलमोस्ट आपको 2.5 GB या 3 GB चाहिए गेम फॉर पीस को डाउनलोड करने के लिए। तो अगर आपके पास मोबाइल डाटा है तो आप टैप टैप को यूज करके वहां पे अपना डाटा जो सेव कर सकते हो और एक दिन में सिर्फ 1 GB को डाउनलोड कर सकते हो और अगले दिन जो बाकी का 800 MB है उसको डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट दिन आप जो गेम के अंदर अपडेट आएगा ऑलमोस्ट 1 GB का, तो उसको डाउनलोड कर सकते हो। और इस तरीके से अगर आपके पास मोबाइल डाटा है तो आप इस गेम फॉर पीस को डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद आप जो रैंगल 2.0 खेल पाओगे। और यहाँ पे मैं एडवाइस करूंगा कि आप जो गेम फॉर पीस को अभी डाउनलोड मत करो, क्योंकि जो गेम फॉर पीस का जब भी अपडेट आता है तो उसमें हमें गेम फॉर पीस को फिर से शुरू से डाउनलोड करना पड़ता है, तो ऑलमोस्ट जब अपडेट आएगा तो आपको फिर से 3 GB अपना नेट यूज करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास वाईफाई है तो आप अब गेम फॉर पीस को अभी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अगर मोबाइल डाटा पे उसे डाउनलोड करोगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना चाहिए, जब रैंगल 2.0 रिलीज होगा तभी आप उसे डाउनलोड करो। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा। और यहाँ पे आपको गेम फॉर पीस में लॉगिन करने के लिए क्यूक्यू अकाउंट या फिर आपको वीचैट अकाउंट चाहिए होगा, तो यूट्यूब पे आपको काफी सारे यहाँ पे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे कि वीचैट और या फिर क्यूक्यू अकाउंट कैसे बनाते हैं। और इसके साथ यहाँ पे हमारा जो iOS डिवाइस होता है उस पर आपको गेस्ट लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है, तो iOS डिवाइस से आप इजीली लॉगिन कर सकते हो, लेकिन क्यूक्यू अकाउंट आपको या फिर वीचैट अकाउंट बनाना पड़ेगा अगर आपके पास एंड्रॉइड डिवाइस है। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं कि जो रैंगल 2.0 का अपडेट है वो हमें कब देखने को मिलेगा गेम फॉर पीस पे। तो यहाँ पे जो गेम फॉर पीस का यहाँ पे कुछ यहाँ पे पोस्टर्स आ चुके हैं जो कि रैंगल 2.0 को दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे जो पोस्टर्स दिखाता हूँ, कुछ फर्स्ट पोस्टर में आप देख सकते हो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2.0, तो बाकी यहाँ पे चाइनीज में लिखा हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों देख सकते हो गेम फॉर पीस का। और पीछे आपको दिख रहा होगा मिल्टा पावर के जो टावर्स होते हैं, तो उनमें से एक टूट चुका है, तो ये हमारा एक फर्स्ट पोस्टर है जो कि रैंगल 2.0 को यहाँ पे शो कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पोस्टर में आप देख सकते हो शायद हमें पोचिंकी दिख रहा है, कुछ टैंक्स और बाकी कैनन्स आपको दिख रही होंगी, और सामने काफी ये सिनेमैटिक सा ये पोस्टर है ये आप देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पे काफी जल्दी इसका एक ट्रेलर भी आएगा, तो मैं ट्राई करूंगा आपको जो ट्रेलर दिखाने की, और वीडियो में आगे आपको बताऊंगा कि जो स्टैचूज है गेम फॉर पीस में वो हमें अब तक क्यों नहीं देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो उसको दिख रहा होगा आपको यहाँ पे थर्ड पोस्टर जो कि एक वाटर सिटी में, तो देख सकते हो जो पीछे बिल्डिंग्स है हमारी जो वाटर सिटी में डूबी हुई है, पानी आपको दिख रहा होगा पीछे। इसके बाद यहाँ पे हमारा मिल्टा पावर का एक और ये पोस्टर है, तो ये जो सारे पोस्टर्स हैं चाइनीज में, लेकिन यहाँ पे आप इस पे जो 2.0 है वो देख सकते हो, तो ये सारे हमारे जो रैंगल 2.0 को बता रहे हैं कि वो काफी जल्दी यहाँ पे लॉन्च होने वाला है।
तो अब बात करते हैं हमारा जो इरेंगल 2.0 है वो गेम 4 पीस के आपको जो लाइव वर्जन में कैसे देखने को मिलेगा और कब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो गेम 4 पीस में हमारा जो अभी ग्लोबल वर्जन है उसमें एक इवेंट चल रहा है, तो यहाँ पे आपको मैं इवेंट सेक्शन में लेकर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ चाइनीज में एक इवेंट है जिसमें हमें 2.0 क्लियरली दिख रहा है। तो ये हमारा एक इरेंगल 2.0 से इवेंट एक रिलेटेड है। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बगी दिख रही होगी और यहाँ पे कुछ ये स्पीडोमीटर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मुझे मैंने कल रात को यहाँ पे इस पर टैप किया था, तो आप जो मेरी बगी देख रहे हो वो बगी मेरी आगे जा चुकी है, वो शायद पहले क्वेश्चन मार्क पे थी, क्वेश्चन मार्क जो आपका आइकन दिख रहा होगा तो उस पर थी। तो यहाँ पे हमें इस इवेंट पे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन आप इस इवेंट की जो आप टाइम पीरियड देख सकते हो, जो इवेंट है वो एंड होने वाला है 18 जून को। तो यहाँ पे जो इरेंगल 2.0 का अपडेट है वो हमें 18 जून को या फिर 18 जून के बाद ही देखने को मिलेगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो इरेंगल 2.0 का अपडेट है वो आपको जून के थर्ड वीक में ही देखने को मिल जाएगा। और मोस्टली चांसेस है कि जो अपडेट है वो आपको देखने को मिलेगा, जो हमारा अपडेट होगा आपको सैटरडे या फिर संडे या फिर फ्राइडे, इन तीनों डेज में से किसी एक दिन पे आपको देखने को मिल सकता है। तो जिस दिन भी अपडेट आएगा तो मैं आपको एक बार फिर से वीडियो बना के बताऊंगा, क्योंकि इस पर जो स्टैचूज ऐड होंगे तो वो उसको मैं खेलने की ट्राई करूंगा और आपको मैं दिखाऊंगा कि जो स्टैचूज हैं वो कैसे दिखते हैं, जो डिक्टेटर का स्टैचू है और बाकी की जो मिस्ट्रीज हैं तो उन सबको हम सॉल्व करेंगे मिलके। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा गेम 4 पीस का टेस्ट सर्वर है उसमें अब तक जो स्टैचूज हैं वो ऐड क्यों नहीं किए गए। तो यहाँ पे जो गेम 4 पीस में अभी जो टेस्ट सर्वर है उसमें काफ़ी सारे हमें अपडेट्स देखने को मिले हैं, उसका जो वर्जन है ऑलमोस्ट 1.8.10 तक पहुँच चुका है और उसमें काफ़ी सारे हमें अपडेट्स देखने को मिले थे, लेकिन उसमें अब तक यहाँ पे हमारे जो स्टैचूज हैं, डिक्टेटर का स्टैचूज और बाकी कुछ सीक्रेट बंकर्स होते हैं, तो उनमें भी हमें काफ़ी सारे जो आई के सिंबल्स, पोस्टर्स और फ्लैग्स देखने को मिलते हैं, तो वैसा भी यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किया गया। तो इसके सिर्फ मुझे दो ही रीज़न लगते हैं। एक पहला रीज़न है कि चाइनीज गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो सकती है, कोई बेकार सी पॉलिसी होगी जिसके कारण हमें जो इरेंगल 2.0 की मिस्ट्री है और जो स्टैचूज हैं वो हमें गेम के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे, या फिर हो सकता है कि जो गेम 4 पीस के डेवलपर्स हैं वो थोड़ा सा सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, कुछ सस्पेंस बनाना चाहते हो कि वो जो अपडेट होगा जैसे कि हमारे स्टैचूज हैं वो इसको डायरेक्टली हमारे जो लाइव वर्जन का अपडेट होगा तो उसी में पुश करें। तो यहाँ पे जो मुझे भी लगता है कि जो हमारा ये जो मैंने आपको सेकंड केस बताया वही हो सकता है, वो थोड़ा सा कुछ सरप्राइज या फिर कुछ सरप्राइज एलिमेंट प्लान कर रहे होंगे ताकि हम थोड़े से और हमारे एक्साइटेड हो सके, ताकि आपको अच्छा लगे खेलने बाद में। तो आपको जो सारे स्टैचूज है वो गेम 4 पीस के लाइव वर्जन में जब अपडेट आएगा 18 हमारे जो जून के बाद, तो तब से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और आपको मैं उसी दिन जिस दिन रिलीज होगा एक वीडियो बनाकर बता दूंगा कि आपको जो स्टैचूज है वो कैसे देखने को मिले हैं। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तब तक के लिए गुड बाय। Ha 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 ha!